नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में कि ब्रह्मचर्य आश्रम होता क्या है। जिस तरह की आप सभी को पता होगा कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, और इसीलिए 100 वर्ष को 4 भागों में अगर हम अलग अलग बांट देते हैं तो 25 वर्ष आयु ब्रह्मचर्य आश्रम की है। इसी तरीके से 25 वर्ष आयु गृहस्थ आश्रम की और 25 वर्ष आयु वानप्रस्थ और 25 वर्ष आयु संन्यास आश्रम की है। तो इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम का भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मचर्य आश्रम बचपन से ही, यानी बचपन से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसी अवस्था में जो भी बालक बालिका है उसका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है। प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति होती थी जिसमें बालक एवं बालिकाओं को गुरुकुल व्यवस्था के तहत वहाँ उनको रहना होता था, और वहाँ पर कई तरीके से व्यायाम शालाएं होती थी। इसके अलावा योग, अध्यात्म, यज्ञ, तप, और इसके अलावा युद्ध कौशल में उनको पारंगत किया जाता था, और शारीरिक रूप से उनको सशक्त किया जाता था और मानसिक रूप से भी उनको सशक्त किया जाता था। जीवन के प्रत्येक मूल्य सिद्धांतों को भी उनको इसी जो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है इसमें बताया जाता था। ये आश्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी आश्रम में रहकर ही हम जीवन के प्रत्येक जो पहलू हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम समझ पाते हैं और जान पाते हैं। आजकल इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे जो प्राचीन पद्धति थी, प्राचीन संस्कृति थी, वो जो है समाप्त होती जा रही है। लेकिन अभी भी इसमें विलंब नहीं हुआ है क्योंकि अब बहुत से ऐसे गुरुकुल जो हैं स्थापित हो रहे हैं, और इसके अलावा गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो है अब कई स्कूलों में अब जो है मान्यता उनको दी जा रही है। उनके जो तत्व हैं, सिद्धांत हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें हमारे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो भी पद्धतियाँ बनाई गई, वो जो भी संस्कार बनाए गए हैं, वो इसी अवस्था में होते हैं। आप लोग जितना भी अपने बच्चों को ज्ञान संस्कार देना चाहते हैं वो इसी अवस्था में आप दे सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जब 25 वर्ष जब ब्रह्मचर्य आश्रम के पूरे पूर्ण हो जाते हैं तो गृहस्थ आश्रम में तो पूरे दायित्व ही उनको निभाने होते हैं, लेकिन इसी आश्रम में रहकर ही बालक बालिका जो है अपने समाज के जो आने वाले जो उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको समझता है कि क्या होंगे, आगे आने वाला समय हमारा कैसा होगा, उसको हम कैसे निभा सकेंगे। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों के जो माँ बाप हैं वो उनको गाइडेंस करें, उनको मित्रवत रूप से व्यवहार करें, यानी कि फ्रेंड्स बना के रखें और उनसे हर चीज़ छोटी बड़ी शेयर करें। इसके अलावा धर्म के प्रति उनको आप जागरूक करें तो इससे ब्रह्मचर्य आश्रम हमारा अच्छा होता है। इसके अलावा बालकों को आप शारीरिक रूप से सशक्त करने के लिए, लड़कियों और लड़कों को शारीरिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनको फिजिकली आप एनहेंस करने के लिए आप उनको चाहें तो आप योगा क्लासेस दिला सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो आप जूडो कराटे क्लासेस दिला सकते हैं, एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, और बच्चों को खेल कूद में विशेष रूप से इसमें जो है अपना योगदान देना चाहिए क्योंकि इसी अवस्था में रहकर बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जो है या तो बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो इसका कारण यही है कि जो धनी संपन्न लोग होते हैं या जो सही लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा खा पी लेते हैं, और खाने पीने की वजह से जो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं बच्चे, और उनकी हेल्थ जो अच्छी नहीं हो पाती है, खेल कूद वो कम करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है भोजन इत्यादि का जो है लेवल कम होने की वजह से कई लोग जो है कम भुखमरी का शिकार, गरीब होते हैं तो बहुत कम भोजन उनको मिल पाता है, तो इसलिए वो वहीं दूसरी ओर पतले होते हैं, या गरीब नहीं ना भी हो तो कई बच्चे जो है बहुत पतले या सूखे से होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि
वो अपना जो है शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए बच्चों को तो ये सब जानकारी होती नहीं है। ये माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को फिट बनाए रखने के लिए खेल कूद कराएं, साइकिलिंग कराएं। इसके अलावा जो हम लोग पुराने समय में गेम्स खेला करते थे वो सब गेम्स कराएं तो बहुत अच्छे होते हैं वो गेम्स बच्चों के फिजिकली फिट रहने के लिए। आजकल हाइट भी नहीं बढ़ती बच्चों की, यही कारण है कि बच्चे जो है खाने पीने में ध्यान नहीं देते। और इसके अलावा खेल कूद में भी रुचि कम हो गई है, वहीं बच्चे टेलीफोन सॉरी जो है मोबाइल फ़ोन जो हैं और टीवी और जो आजकल जो गेम्स चल रहे हैं ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चों का फिजिकली फिट रहने के लिए बच्चों को इस ओर जो है अग्रसित अवश्य करें। और इसके साथ साथ बच्चों को मेंटली फिट रखने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है इसी अवस्था में होता है, इसलिए बच्चों को आप यदि अच्छे संस्कारी बच्चे बनाना चाहते हैं, इसके अलावा बच्चों को आप यदि मेंटली फिट रखना चाहते हैं तो बच्चों को आप समय समय पर मंदिर ले जाएं, समय समय धर्म ग्रंथों का अनुसरण कराएं और दान इत्यादि का महत्व समझाते रहें बच्चों को, क्या हमारी संस्कृति वो भी बताते रहें। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दे, समय दे साथ ही, क्योंकि आज के पेरेंट्स के पास समय नहीं होता। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको फिट रखने के लिए, बच्चों को फिट रखने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है क्या, यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्म अनुरूप जीवन शैली, हम जो ब्रह्म है यानी जो ईश्वर है, ईश्वर के अनुरूप जीवन शैली। ईश्वर कैसे रहते हैं, प्रातःकाल उठना, प्रातःकाल उठने का मतलब है कि 5 से 6 साढ़े 6 बजे तक आपको उठ जाना चाहिए, और रात्रि में शयन यानी सोना भी समय पर चाहिए। इसके अलावा भोजन जो है अच्छा सुपाच्य और हल्का हो। इसके अलावा प्रातःकाल उठकर पूजा स्नान ये सब चीज़ें होती है, और समय समय पर जो है दान पूजा पाठ और समाज सेवा ये सब चीज़ें हमारी ब्रह्मचर्य आश्रम में आती हैं। और अपने जो है मन में जो गलत विचार आते हैं उनको इस आप जो है कंट्रोल करना सीखें, कंट्रोल करें अपनी जो आपकी सेंस ऑर्गन्स हैं उनको जो है आप कंट्रोल करें, जिससे कि आपका ब्रह्मचर्य जो है सही रहे। वो इसी से रह सकता है जिससे कि जब आप गलत दृश्य ना देखें, गलत चीज़ों को ना पढ़ें ना देखें, तो ये तभी संभव है। इसलिए ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे और जो है धर्म के प्रति अध्यात्म के प्रति ज़्यादा जागरूक रहेंगे, तो ये तभी, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन भी जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को अपने लाइफ का एक मोटो रखिए, अपने लाइफ को एक लक्ष्य रखिए और उसको पालन करिए, उसको फॉलो कीजिए, तो आप इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे और आप जो है सक्सेसफुल रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और न्यू सब्सक्राइबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।